कहानी दो गौरैया कथाकार भीष्म साहनी। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो दूसरे ही कोई हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डालते रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर आ जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गाना गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है, बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर कमरे से एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा झोंकड़ी मस्ती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं है, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम होते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटुरगू गुटुरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने परिवस्ते घर में छिपकलियाँ भी हैं और बर्रे भी हैं और चींटियों की तो जैसे पौध ही छावनी डाले हुए है। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठी तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। दो दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है घर उन्हें पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर में माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये उड़ेंगी नहीं, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना दिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया, वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे रहती हैं यहाँ, गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी बाहर निकाल करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, चिड़ियों को क्या निकालोगे, माँ ने व्यंग से कहा। माँ कोई बात व्यंग में कहें तो पिताजी उबल पड़ते हैं, वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से श्श कहा, बाहें झुलाएं, फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते कभी श्श करते। गौरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है, माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, अरे चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठी, उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बड़ा पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी, उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा, ची ची करती गौरैया उठकर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। अरे इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ ही जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लग गए। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी,
तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दरवाजे बंद कर दे। मैंने भाग कर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला छोड़ा। पिताजी फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन के खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गए। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के सहारे टिका दी और छाती फैलाकर कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी, उन्होंने हुक्म दिया। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंसने। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। माँ बोली, दरवाजे के नीचे से आ गई हैं। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया, माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े, उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूंस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा न रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया ची ची करते हुए बाहर निकल गए, पर थोड़ी देर बाद वो फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान के रास्ते आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। अब की माँ ने गंभीरता से कहा, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए हैं, अभी यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं, पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठे। इतने में रात हो गई, हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन एक बार था, जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और बैठे मजे से मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा था, दिन में तो वे बाहर निकालती जाती पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से भी अंदर घुस आती। पिताजी परेशान उठे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर एक दिन वह भी तंग आ गए। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था, उन्होंने पंख के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर खुद स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो ना तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसलों में से अनेक तिनके बाहर लटक रहे थे, गौरैयों ने सजावट के लिए मान लो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा, दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और पथराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो दो तिनके तो निकल गए, अब बाकी दो हजार भी निकल जाएंगे, माँ बोली। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ दुबला गई थी, कुछ काली भी पड़ गई थी, अब वे चहक भी नहीं गई थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनके के ऊपर रख कर वहीं धीरे धीरे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे पर लिपटने लगे। वे लिपटते गए लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लिपटा जाने लगा। सूखी घास, रुई के फाहे, थाली की तिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, चीची चीची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या, गौरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर घूम सो बैठी थी। चीची चीची, फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा
पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची ची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सारा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया, वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं आवा उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकाल कर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँ हाँ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उठकर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था पर अब के पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे।